नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी यात्रा को दिल्ली से लेके सूरत तक या सूरत से दिल्ली तक आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए जल्दी बनके तैयार होने वाला है ये वडोदरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। जी हाँ दोस्तों, आज इस वक्त मैं खड़ा हूँ सूरत के इंटरचेंज में जो कि किम का इंटरचेंज है। अगर आप दिल्ली की तरह अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको सूरत से किम का इंटरचेंज है, यहाँ से आप इंटरचेंज करके इस जगह को कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको मुंबई की तरफ जाना है तो आपके लिए बनकर तैयार होने वाला है जो कि एना गांव का इंटरचेंज है। जी हाँ दोस्तों, उसके सूरत में दो इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 3 का अपडेट जो कि 354 किलोमीटर लंबा है, वडोदरा से लेके विराट तक जाता है। हालांकि इसको 4 सेक्शन में दोस्तों इसको बनाया जा रहा है। पहला डीएनडी फरीदाबाद से सोना तक जो कि 90 किलोमीटर लंबा है, दूसरा सोना से लेके वडोदरा तक 844 किलोमीटर लंबा है, और वडोदरा से लेके विराट तक जो कि 354 किलोमीटर लंबा है, उसके बाद में विराट से लेके जीएनपीटी तक जो कि 90 किलोमीटर लंबा है। आज हम सेक्शन C3 का अपडेट हम आपको दिखाने वाले हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इंटरचेंज का काम चल रहा है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि एक यहाँ पर जो बटरफ्लाई इंटरचेंज बनाया जा रहा है इस वक्त, यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरफ सीधा जा रहा है, ये मुंबई की तरफ जा रहा है दोस्तों, और इस जगह से घूमता हुआ सीधा आएंगे। अगर आप NH 48 को जो कनेक्ट करता है, NH अगर आप वडोदरा की तरफ से आएंगे और NH 48 से अगर आपको मुंबई की तरफ जाना है तो आप इस जगह से इसको कनेक्ट कर पाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं, मैं आपको कुछ इसके मैप के जरिए भी आपको समझा दूंगा जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट दोस्तों। ये सेक्शन C3 का जो मैं अपडेट दे रहा हूँ ना दोस्तों आपको, पैकेज नंबर 6 जो कि 37 किलोमीटर लंबा है, किम इंटरचेंज से लेके जो कि सूरत का जो इंटरचेंज बना जा रहा है एना गाँव के पास वहाँ तक जाता है ये 37 किलोमीटर लंबे। आज मैं आपको स्टार्टिंग कर रहा हूँ जो कि किम का इंटरचेंज है। यहाँ से आप देखेंगे ना, यहाँ पर यहाँ से आपको काफ़ी सारा प्रोग्रेस देखने को मिल पा रहा होगा, और यहाँ पर जो अर्थवर्किंग का काम है काफ़ी समय तक पूरा कंप्लीट हमें दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा यहाँ से अर्थवर्किंग का काम कंप्लीट आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। और ये सीधा जा रहा है ना, ये आ रहा है सीधा जो इसका इंटरचेंज बना हुआ ना, यहाँ से अगर आप वो यहाँ से आएंगे आप वडोदरा की तरफ से, भरूच की तरफ से NH 48 से, तो उस जगह से आप आएंगे ना यहाँ पर, इस जगह पर आप आके कनेक्ट कर पाएंगे, और जो कि यहाँ से सीधा आप जाएंगे इधर जो कि मुंबई की जगह को आप कनेक्ट कर पाएंगे मुंबई की साइड को दोस्तों। तो यहाँ से हम आपको आज अच्छे से दिखाने वाले हैं, मैं आज आपको कवर करके दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर कितना काम हुआ है। यहाँ पे हम आए हैं पूरे 5 महीने के बाद, इस जगह का अपडेट हम देखने वाले हैं कितना ज़्यादा हमें यहाँ पर प्रोग्रेस देखने को मिलने वाला है दोस्तों। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर हम पिछली बार था, यहाँ पर इसे अर्थवर्किंग का काम कम्प्लीट था, और अभी यहाँ पर कितनी सारी घास जो कि आ चुकी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और आगे इंटरचेंज का जो पेयर वर्क का काम कितना कंप्लीट है वो आपको आज हम दिखाने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट हम दिखाते रहते हैं, समय समय पर नए नए अपडेट आपको लाते रहते हैं। और इसी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिव पैदा करता है दोस्तों। ये NH 48 है और ये सीधा जा रहा है इधर सूरत की तरफ जा रहा है, और इधर सीधा जा रहा है ये भरूच और वडोदरा की तरफ। और जब ये एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो जाएगा तो आप किस पे जाना पसंद करेंगे? इस NH 48 पर आपको लगेंगे दिल्ली से यहाँ पर जाने के लिए जो कि 20 घंटे का समय लगेगा, और इस पे मात्र आपको 10 घंटे का समय लगेगा। तो आप किस पे जाना पसंद करेंगे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना दोस्तों आप हमें। दोस्तों अब जैसे कि आपको मालूम था, उसका पहला जो सेक्शन है वो चालू कर दिया गया था जो कि सोना से लेके और जयपुर तक पूरा कंप्लीट रेडी हो चुका है, वहाँ पर गाड़ियाँ दौड़ने लगी हैं। और अभी 20 तारीख को ही यानी 20 सितंबर को जो कि मध्य प्रदेश का 244 किलोमीटर का हिस्सा था वो पूरा का पूरा कंप्लीट ओपन कर दिया गया है, वहाँ पर गाड़ियाँ दौड़ने लगी हैं। आपको ये मैं आपको बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट भी की थी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ना हो तो उस पर आप ये भी यात्रा कर सकते हैं जो कि मध्य प्रदेश का जो रूट है वो 244 किलोमीटर पूरा का पूरा वो बन के रेडी है दोस्तों। मध्य प्रदेश के हिस्से में वहाँ पर आप यात्रा कर सकते हैं अपनी, और इस जगह पर आपको देखने को मिल पा रहा होगा सामने। अभी अर्थवर्किंग का काम कंप्लीट है, इसको इंतजार है अपना तो यहाँ पर फ्लोरिंग का, क्योंकि पेयर वर्क और पेयर कैप का काम पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और अभी यहाँ पर ना ये खाली NHAI का जो कि कॉन्क्रीट वाला हिस्सा है, हालाँकि यहाँ पर कॉन्क्रीट वाला हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, यहाँ पर तो सीमेंट वाला हिस्सा बनाया जाएगा इस जगह पर, क्योंकि वडोदरा से लेके मुंबई तक पूरा ये सीमेंट का बनने वाला है, और दिल्ली से लेके वडोदरा तक पूरा विटामिन्स में बनाया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर अभी मिट्टी डाल के इसको बराबर, यहाँ पर इसका लेवल बराबर नहीं था उसको लेवल किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ देख रहे हैं ना साइड के, ये
वेरी ये वेरियर देख रहे ना साइड में, आपको उनको लगा के यहाँ पे लेवल किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी जल्दी क्या यहाँ पर रोड का काम किया जाने वाला है। यहाँ पर जो है रोड पक्का किया जाएगा अभी, यहाँ पर ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर भी सारे के सारे पेयर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं दोस्तों। मैं आपको अभी दिखाऊंगा ऊपर की तरफ से, तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पर जो हिस्सा है फ्लोरिंग का, यानी पेयर वर्क और पेयर कैप का पूरा काम कम्प्लीट हो चुका है, आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा होगा। और NH-48 को ये क्रॉसिंग करता हुआ जा रहा है दोस्तों, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हमारे भारत का और एशिया का सबसे लंबा 8 लेन का एक्सप्रेस वे, इसको 12 लेन का भविष्य में बनाया जाएगा। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं मिट्टी डाल के इसको बराबर किया जा रहा है। और अभी मैं चलूंगा नीचे की तरफ, आपको उस तरफ का भी अपडेट दिखाऊंगा कि उस तरफ भी आपको कितना काम देखने को मिल पा रहा होगा। वैसे तो आपको यहाँ से भी देख के पता लग पा रहा होगा, वहाँ पर भी फ्लोरिंग का जो अर्थवर्किंग काम है वो भी कंप्लीट है। और जब इसका काम स्टार्ट हुआ था ना इस इंटरचेंज का, जब यहाँ पर कुछ भी काम नहीं था, तब से मैं आपको इसका अपडेट देता हुआ आ रहा हूँ दोस्तों। मैं इसको स्टार्टिंग से इसके बीच में ही आपको रहकर आपको सारे अपडेट्स के मैंने दिए स्टार्टिंग से, और जो कि आप देख सकते हैं सीधा जा रहा है बड़ोदरा की तरफ और इधर सीधा जा रहा है ये सूरत और मुंबई की तरफ। दोस्तों चलते हैं नीचे की तरफ और दिखाते हैं इसका आपको लेटेस्ट अपडेट इस जगह का नीचे का दोस्तों। तो यहाँ पर अभी चल रहा है मिट्टी का काम चल रहा है, जो बराबर जहाँ पर ऊंची नीचे जगह है ना, उसको लेवल को कंप्लीट किया जा रहा है, कंप्लीट तरीके से अच्छे से इसको मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या जल्दी अभी जो है NHAI का काम स्टार्ट होने वाला है गाइस। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो ऊंची नीचे जगह थी उसको कंप्लीट बराबर किया जा रहा है अभी। और ये पूरा देख रहे हैं ना, ये पूरा आप एक्सप्रेस वे का हिस्सा है, क्योंकि इधर से सीधा जो इसका कनेक्टिविटी यहाँ से दी गई है इंटरचेंज की, ये भरूच की तरफ से आ रहा है, इधर से कनेक्टिविटी दी जा रही है इसकी सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को, जो कि मुंबई की तरफ आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी आप यहां पर सामने देख पा रहे होंगे ना, यहां पर जो पेयर और कैप का काम दोनों तरीके से कंप्लीट है, उस पर गडर्स वगैरह लॉन्चिंग करना बाकी है और ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों, 2024 में ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा और आप इसका आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि इसके जो बड़े बड़े ब्रिज वगैरह थे वो बन के कम्प्लीट है हर जगह पर। इस जगह से आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा होगा इसका काफ़ी अच्छा खासा काम दोस्तों, जो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। कीम इंटरचेंज सूरत का इंटरचेंज है ये, और ये सेक्शन C3 और पैकेज नंबर 6 का अपडेट मैं आपको दे पा रहा हूँ, जो कि 37 किलोमीटर लंबा है गाइस। तो ये सीधा जितने भी बड़े बड़े ट्रक वगैरह आप देख रहे हैं, लॉरी वगैरह, ये जब बन के कम्प्लीट हो जाएगा ना, तो ये सारे के सारे इसी रोड पर यात्रा करेंगे एक्सप्रेस वे पर, और इस पर ट्रैफिक की मात्रा काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय लगता है जो कि यात्रा करने पर, क्योंकि अभी 30 से 40-50 का एवरेज पर स्पीड से दौड़ती है गाड़ी, और यहाँ पर ये दौड़ेंगे सीधा 80 की स्पीड से, बड़े बड़े लॉरी वगैरह होती हैं, और बसों की जो स्पीड होगी 100 किलोमीटर होगी, और कार की जो होगी मैक्सिमम 120 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ने वाली है, जिसपे आपको आधे समय की बचत होने वाली है। आपका मुंबई से और दिल्ली के मात्र 12 घंटे का समय लगेगा, जो कि अभी 24-25 घंटे का समय लगता है। और यहाँ आप देखेंगे ना इस जगह पर, यहाँ पर इसके सारे गडर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर लॉन्चिंग करना बाकी है। इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी रखे हुए हैं, जल्दी लॉन्चिंग कर दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा काम कम्प्लीट हो चुका है इसका, सारे के सारे पेयर कैप स्लेब का काम रेडी हो चुका है, इसके ऊपर खाली अभी गडर्स लॉन्चिंग का ही काम बाकी है दोस्तों। तो अभी मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के बिल्कुल NH-48 उसके बीचों बीच में आ चुका हूँ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का जो पेयर बनाया हुआ है बीचों बीच में, आप देख सकते हैं ना इधर, ये जा रहा है सीधा भरूच की साइड, ये सीधा जा रहा है सूरत की साइड में, और इसके बीच में जो पेयर बना हुआ है ना उसके नीचे मैं आ चुका हूँ बिल्कुल, यहाँ से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कितना हैवी यहाँ पर इसका लिया गया है, मजबूती इसकी काफ़ी अच्छी खासी ली गई, यहाँ से इसका लेवल भी काफ़ी ज़्यादा ऊँचा लिया जाएगा, आप देखेंगे दोस्तों, आपको अच्छे से यहाँ पर पता चल पा रहा होगा देखने में दोस्तों। अभी मैं आ चुका हूँ इसकी दूसरी साइड में, यानी कि मैं आ चुका हूँ अभी दिल्ली की साइड में, और ये था अभी मुंबई की तरफ का अपडेट दे रहा था। तो इधर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी आपको पूरा ये कैम कम्प्लीट है, ऊपर का आप देखेंगे यहाँ पर स्लेब का काम बाकी है, बहुत जल्दी अभी पूरा हो जाएगा पेयर का, और यहाँ पर जल्दी लॉन्चिंग का काम स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पर ये सारे गडर्स वगैरह आप देख रहे हैं ना, ये सारे गडर्स इसके ऊपर रखे जाएंगे, बड़ी बड़ी क्रेन मशीनों द्वारा यहाँ पर लगाए जाते हैं रॉयल क्रेन। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सेक्शन C3 का अपडेट और पैकेज 6 का, जो 37 किलोमीटर लंबा है कीम इंटरचेंज से लेके, और जो कि कनेक्ट करता है सूरत का जो एना गाँव का इंटरचेंज है उस जगह के लिए, ये देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर पीछे भी पूरा अर्थवर्किंग का काम कंप्लीट है, वहाँ पर लॉन्चिंग का काम बाकी है अभी,
ज़्यादा काम बाकी है नहीं कुछ। उधर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों पीछे की तरफ, क्योंकि अभी उस जगह पर जाने के लिए यहाँ से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर अभी बीच में काम चल रहा है ना, तो रास्ता बंद है, तो इसलिए उस जगह पर हम जा नहीं पा रहे हैं। नहीं तो मैं आपको उधर का भी अपडेट देके आ रहा था दोस्तों। तो यहाँ पर अभी पता है क्या है, यहाँ पर अभी काम बाकी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी का, क्योंकि यहाँ पर अभी लेवल करना बाकी है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पर अभी लेवल करना बाकी है, जैसे कि वहाँ पर पूरा लेवल कर दिया गया गाइस, मैं आपको बता दूँ। और इस जगह का लेबर का काम बाकी है, ये भी पूरा हो जाएगा और लॉन्चिंग का काम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा गाइस। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके दो पैकेज चालू कर दिए गए हैं, और जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो मध्य प्रदेश का 244 किलोमीटर का हिस्सा था पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुका है, और वो सोना से लेके वैसे भी दौसा तक बन के रेडी था, वो भी चालू कर दिया गया है। तो आज के इस अपडेट में मैंने आपको काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग अपडेट दिखाने की कोशिश की। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते जल्दी एक नए ब्लॉग में दोस्तों। आज के लिए इतना, जय हिंद, जय भारत।